तो न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस पीछे एक और अपडेट आपको बताते हैं, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा में ईवीएम खराब हो गई है, बूथ संख्या 189 पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। शोरतगढ़ में बूथ नंबर 286 पर भी ईवीएम खराब हुई है। तो बलरामपुर की अगर हम बात करें तो बलरामपुर में बूथ नंबर 88 पर ईवीएम खराब होने की खबर, संत कबीर नगर के खलीलाबाद में भी ईवीएम खराब हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कई जगहों पर मतदान बाधित हुआ है ईवीएम खराब होने की वजह से। और इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी वोटिंग के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके लिखा है कि यूपी के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आज की वोटिंग में भी अपने एक एक वोट के मताधिकार से रोटी रोजी व रोजगार युक्त अच्छे दिन के लिए सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की बीएसपी सरकार बनाना सुनिश्चित करें। तो उन्होंने लिखा है, ताकि जातिवादी संकीर्ण सोच और तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार से मुक्ति मिले। यूपी में अब तक 5 चरण के मतदान में निराशा और हताशा के बाद विरोधी लोग अब हिंसा, अभद्रता और असभ्य आचरण आदि हथकंडे पर उतर आए हैं, जिससे लोगों को अपना संयम नहीं खोना है, बल्कि ऐसी पार्टियों को वोट की मार के जरिए अपनी मजबूत सरकार बनाने के मिशन में डटे रहना है। तो इन सीटों पर 2017 में क्या कुछ नतीजे थे, हमारे सहयोगी आयुष बता रहे हैं। जी बिल्कुल, 57 सीटों पर आखिर 2017 में नतीजे क्या थे, आंकड़े एक बार समझिए। 2017 के चुनाव में बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को 46 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक सीमित रह गई थी, जबकि बीएसपी को यहां पर 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 1 सीट, तमकुही राज की आप जानते हैं अजय कुमार लल्लू वहां से प्रत्याशी एक बार फिर है, यही सीट सिर्फ मिली थी। अपना दल का भी एक प्रत्याशी यहां से जीता था और बीजेपी के साथ तब चुनाव लड़ रही एसबीएसपी के एक प्रत्याशी को भी जीत मिली थी, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां से नौतनवा सीट से दरअसल महाराजगंज की यहां से जीत दर्ज की थी। अहम हो जाता है आंकड़ा, बीजेपी को अपनी साख बचानी है, बीजेपी को और बेहतर करने की चुनौती, जबकि बाकी पार्टियों के लिए भी अपनी दावेदारी साबित करने की। जी बिल्कुल आयुष, और इसी चरण में और छोटे छोटे दल है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं वो भी आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, छठे चरण में सबसे अहम है वो छोटे दल जो अपनी अपनी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। चूंकि पूर्वांचल में चुनाव है, इस वजह से जातीय गोलीबंदी सबसे अहम हो जाती है। सबसे पहले बात निषाद पार्टी की, 2017 में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी नहीं थी, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी निषाद पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को जगह दी गई है। इसके अलावा एसबीएसपी जो 2017 में बीजेपी के साथ थी, वो अब एसपी के साथ आ चुकी है, 8 सीटों पर इसके उम्मीदवार हैं। जनवादी पार्टी ने भी एक प्रत्याशी यहां पर उतारा है, साथ साथ अपना दल एस ने भी एक प्रत्याशी बीजेपी के साथ गठबंधन में यहां उतारा है। और लगातार चुनाव प्रचार में भी देखा गया कि बड़े नेता भी छोटे दलों के प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार कर रहे थे, और यही वजह है कि यह लड़ाई छठे चरण की सबसे अहम मानी जा रही है। बिल्कुल आयुष, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे अंबेडकर नगर का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आऊंगा। लगातार लोगों में तो उत्साह देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अंबेडकर नगर में क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त?